अब मैं पूछता हूं आपसे, कीमत नारायण की है? कीमत नारायण की है? खुदा की कसम, बिलाफस इत्तेसाल है जिसने नारायण को इतना बुलंद कर दिया। ये नारायण जो बुलंद हुई है, ये मुत्तसिल है उन कदमों से, ये इत्तेसाल है जिसकी बुनियाद पर नारायण इतनी बुलंद हुई है। कीमत नारायण की नहीं है, कीमत उस रिश्ते की है जिसकी नारायण, बाबा कीमत नारायण की नहीं, कीमत उस रिश्ते की है जिसकी नारायण। हम कीमत आंसुओं की थोड़ी है, कीमत उस रिश्ते की जिसकी मोहब्बत में निकले, जिसके रुमाल में पहुंचे। जिसकी ही मारिफत उसे नबी की नालायक के इरफान तक पहुंचा ना सके, उसे हमारे आंसुओं की कीमत का अंदाजा होगा। अगर तुम नबी की नालायक को तो समझे नहीं, इन हुसैनी आंसुओं को क्या समझोगे? नहीं नहीं, बाप को समेटता हूं, बाप को समेटता हूं, जुमला बदलता हूं। जिसके कदमों में अहमदे सिमट के आ जाए उसे मोहम्मद मुतबा कहते हैं। जिसके कदमों में अजमत सिमट के आ जाए उसे मोहम्मद मुतबा कहते हैं। और अपनी तमाम अजमतों समेत मोहम्मद मुतबा जिसके एहतराम में उठ जाए उसे सहरा कहते हैं। नालायन नदी के कदमों के नीचे है, मतलब अच्छे रहिएगा, नालायन नदी के कदमों के नीचे है और हुसैनी आंसू नहीं नहीं मुतवज्जे हुए हुए नहीं आप। जिसे नदी ने कदमों से दबा दिया उसे नालायन कहते हैं, जिसे तहरा ने रुमाल पर उठा लिया उसे आंसू कहते हैं। तुम कदमों के नीचे दबी हुई नालायन की अजमत को रोपा ना सके, जहरा के रुमाल में पड़े हुए आपको क्या मोहम्मद मोहम्मद वाले और फिर कीमत जो है ना, कीमत कीमत कभी कभी कमी और ज्यादती की बुनियाद पर नहीं लगती। कीमत जो लगती है ना कभी कभी तिल्लत और कसरत देखे बगैर लगती है। कीमत कभी कभी इस एतराज से लगती है कि इसने काम कितना बड़ा किया है। काम की अहमियत देखकर कीमत लगती है। नहीं नहीं दूर न जाइए, मैं पूछता हूं, ये जो आदमी नारायण पहनता है इसका काम क्या होता है? जो जूते पहनता है आदमी इसका मकसद क्या होता है? पैरों की हिफाजत, एक गंदगी से बचाना, यही दो होते हैं ना, ठीक है ना। अच्छा नॉर्मल वे में आदमी शूज खरीदने जाए, मकसद क्या है? पैर की हिफाजत हो जाए, गंदगी से महफूज हो जाए, ये ना। हम सिर्फ ये दो मकसद लेके जाइए, 350 रुपए में खरीद लीजिए, होता है या नहीं होता? सिर्फ मकसद तो है पैर की हिफाजत हो जाए, गंदगी से महफूज हो जाओ, ठीक है ना। ये दो मकसद लेके जाइए, ये दो मकसद 350 रुपए में पूरे हो जाएंगे, हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? मगर कभी कभी कीमत बढ़ जाती है काम देखकर। आप पूछेंगे कैसे, मैं कहूंगा दूर की बात नहीं है,
कभी साइलेंट पे होता है तो अच्छा लगता है। सलाम पढ़ते मोहम्मद वाले। तो जरूरत अगर सिर्फ दो है तो ये जरूरत पूरी हो जाएगी 3-3.5 करोड़ में, ठीक है ना? अच्छा, साल दो साल, 6 महीने, 4 महीने पहन लिया, कीमत घटेगी या बढ़ेगी? जहीर घटेगी। मगर सरजमीन इराक पर एक पुराना जूता फिजा में बुलंद हुआ। देखिए कीमत क्या है, लगती है कीमत। एक पुराना जूता फिजा में, हमें किसने खरीदा था कहता है 350 कर लिया था, मगर जैसे जैसे पिता की तरफ बुलंद हो रहा है और तारिया की तरफ जा रहा है भाव बढ़ रहा है। क्या बात है, इधर टारगेट तक पहुंचा। कीमत कितनी थी? सैकड़े में थी ना। शायद दुनिया ने पहली मरतबा सैकड़े को करोड़ों में बदलते देखा। पहली मरतबा। एक बात बताइए, कीमत तो गिरना चाहिए थी ना, पुराना था। हाँ, एक तो कीमत इसलिए गिरना चाहिए थी कि पुराना था, दूसरे इसलिए गिरना चाहिए थी कि वर्ल्ड मार्केट बैठ रही थी। अगर जब वर्ल्ड मार्केट बैठ रही थी तो इसका भाव बढ़ रहा था। अब किसी से पूछे ये सैकड़ा करोड़ों में कैसे बदल गया, वजह बताएगा कि जब तक काम सिर्फ दो थे, कीमत 300-400 के करीब थी। दो काम क्या है, पैर की हिफाजत हो जाए, गंदगी से बच जाए। हमें कीमत पर इसलिए गई कि उससे एक तीसरा बड़ा काम हो गया। अब मकसद सिर्फ ये नहीं है पैर की हिफाजत हो जाए, गंदगी से बचा लू, बल्कि ये सूद नहीं है, सूद के चेहरे पर नकाबू रख लिया होता। तो सैकड़ा करोड़ों में बदल गया है मेरे दोस्तों। ये आंसू शिद्दते गम का नतीजा है, ये आंसू दुखी दिलों के तर्जमान जरूर है, मगर देश कीमत इसलिए है कि जमीन जब के चेहरे से नकाब लेते हैं। चला मोहम्मद वाले मोहम्मद का।